सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नाबालिग से यौन शोषण मामले में जेल ने बंद आसाराम पर 25 अप्रैल को जोधपुर की अदालत अपना फैसला सुना सकती है। 25 अप्रैल के बाद यह साफ हो जाएगा कि आसाराम फिलहाल जेल से बाहर आ रहे हैं या नहीं। वहीं पुलिस ने इस दिन भारी संख्या में आसाराम समर्थकों के जोधपुर कोर्ट पहुंचने की आशंका जताई है। देश में एक बार फिर नोटबंदी जैसे हालात नजर आने लगे हैं। कई छोटे शहरों में एटीएम खाली है। ऐसे में रिजर्व बैंक का मानना है कि असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में लोगों के द्वारा जरूरत से ज्यादा पैसे निकालने को लेकर ये संकट खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आधार डाटा लीक को लेकर अपनी टिप्पणी दी है। कोर्ट ने कहा यह बेहद गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ के पांचों जजों ने आधार वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने सवाल उठाया, अगर इसका इस्तेमाल कर चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया गया तो क्या लोकतंत्र बचा रहेगा। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। दोनों करण जौहर की फिल्म कलंक में नजर आएंगे। आलिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म का पोस्टर रिलीज कर इसकी जानकारी दी है। यह फिल्म 19 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2018 में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहली जीत हासिल की है। मुंबई ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 46 रनों से हराया है। इस मैच के हीरो रोहित शर्मा रहे हैं, जिन्होंने 94 रनों की नाबाद पारी खेली है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।